इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है बहुत, सभी ठंड से बच के रहें। और मैं अब नमकीन चावल की तैयारी कर रही हूँ, तो चलो बनाते हैं। चक्कू से लेते हैं, इसमें छिलके डालेंगे। वैसे इस यहाँ पर ठंड तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है हरियाणा में, पटौदी में, और बाहर का मौसम नहीं पता मुझे कि कैसा है। लगभग सभी जगह ठंड है। इतनी ज़ोर से खांसी जुकाम हो रही है। 15 दिन हो गए जुकाम खांसी ठीक ही नहीं हुई। आप लोग सब कैसे और कहाँ कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे मालूम हो कि किस एरिया से देख रहे हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कौन सी जगह से ये ब्लॉग्स देख रहे हैं। आज मेरा पहला ब्लॉग्स है और सोचा क्यों ना ब्लॉग्स बनाया जाए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो ब्लॉग्स भी बनाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हाँ, इसकी स्मेल ऐसे चेक करती हूँ मैं। तुम कह रहे होगे कि जुकाम हो रही है और जुकाम कैसे स्मेल है। हाँ, स्मेल तो आती है, बिल्कुल आती, क्यों नहीं आती, जुकाम में भी आती है। अब टमाटर तो कट गए हैं, अब बारी है प्याज की। तो प्याज से तो और लहसुन से आँखों में आंसू, ये जुकाम की वजह से है। चलो काटना तो पड़ेगा, नमकीन चावल भी बनाने हैं। और नमकीन चावल तो लस्सी के साथ और अच्छे लगते हैं। आप किससे खाते हैं, सॉस से खाते हैं, लस्सी से खाते हैं, मुझे ज़रूर बताना किसका किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है खाने में, लस्सी के साथ है या सॉस के साथ है। मुझे तो नहीं, लस्सी से भी अच्छे नहीं लगते और सॉस से भी अच्छे नहीं लगते। मुझे लगते हैं सिर्फ ऐसे सिंपल, या कोई सब्जी हो, जैसे कि यार सुबह आलू गोभी बनाई हुई थी, वो रखी थी, तो वो मिला के खा लूँगी। बुखार के, जुकाम के, खांसी की वजह से ऐसी तबीयत हो गई। चलो अभी देखती हूँ मेरा बेटा क्या कर रहा है, तो चलो देखते हैं बेटा क्या करेगा। साइकिल चलाएगा, वैसे आज बहुत दिन बाद धूप निकली है, बेटा साइकिल चला रहा है। ढंग से चलाना साइकिल, साइकिल चला कर गेट बंद कर देती हूँ। चलो अंदर आ जाती हूँ, बना देती हूँ। घड़ी में 1:05 हो गए हैं और फोन में क्या टाइम हो गया, 1:10। आगे पीछे चलते रहते हैं। वैसे मैंने प्याज और लहसुन काट लिए हैं, आपके सामने काटे थे, अब मैं आलू काट लेती हूँ। पहले इसको छील लेती हूँ। बेकई तो ऐसी होती है, जैसे कि चक्कू होता है ना, इसके बिल्कुल ऐसे कुर्च कुर्च के उसके ऐसे कहते हैं कि देखो बिल्कुल पतला छिलका उतर रहा है, मतलब कि इससे छिलका ज़्यादा ना उतरे, ये मोटा छिलका उतरता है, दिख रहा है। तो ऐसे भी कर लेती हूँ, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। वैसे वो आते हैं ना नए आलू, वो कुर्चने पड़ते हैं। चलो काट लेते हैं आलू। ऐसे सर्दियों में तो आलू सबसे ज़्यादा खाया जाता है, क्यों? और आलू गोभी, आलू मटर और नमकीन चावल में, और किस में, आलू बैंगन,
या भरता जो बनता है उसमें भी आलू पड़ता है, और क्या बताऊँ, आलू मंगोड़ी है ना। तो आलू की सब्जी वैसे लगती है, ठंड भी नहीं लगती, आलू तो अच्छा रहता है। उबले आलू खाने, उबले आलू कौन खाता है, मुझे पसंद है आलू उबले हुए खाना। और एक मिनट, ये हो गया। इसमें सारा डाल देती हूँ जो भी हमारा डस्ट होता है, फिर बाद में डस्टबिन में डाल देती हूँ। अब क्या करना है, चावल लेने हैं। तो हमारे यहाँ एक गिलास मैंने चावल ले लिए हैं, क्योंकि चावल बहुत कम खाते हैं, बस मुझे ज़्यादा शौक है चावल का और मेरी लड़की को। चलो उनको धो लेती हूँ अच्छे से। अब ये तेल गरम होने वाला है और सारा सामान रेडी है, अब बस छौंकने की बारी है। भाई तो करते हैं रेडी। चलो मैं पानी पी लेती हूँ, बनने वाले हैं थोड़ी देर में चावल, खुल भी नहीं रहेंगे। गर्म पानी पीना चाहिए, ठंडा लगे। आज हल्की सी धूप निकली थी, फिर ऐसे ही हो गया मौसम ठंडा। इसको ऐसे उठ के और जो ऐसे मुंह को ढक लेते हैं ना, तो मतलब कि ठंड नहीं लगती नाक को और मुंह को, तो ऐसे करके और मैं ऐसे कर लेती हूँ। देखा कैसा लग रहा है मेरा ये लुक, मुझे तो पता नहीं आपको पता होगा, लेकिन ऐसे तो खाना नहीं खाया जाएगा। तो मुझे गोभी आलू की सब्जी इतनी अच्छी लगती है बहुत, मतलब इसके लिए चपाती या रोटी भी ना हो ना, कुछ नहीं, सिर्फ वैसे ही खाती हूँ। सब्जी मेरे को बहुत पसंद है और गोभी आलू ज़्यादा खाती हूँ मैं, और एक मशरूम वो कभी कभी बनती है, डेली अच्छी भी नहीं लगती, लेकिन गोभी आलू बहुत अच्छी लगती है। क्या भी मेरी तरह से सब्जी खाते हैं, रोटी के साथ तो सभी खाते हैं ऐसे। खाना पीने की मौज तो सर्दियों में होती है, घूम के लड्डू, गाजर का हलवा जो गाजर पाकू बोलते हैं। क्या हो गया, चावल बन के हो गए हैं रेडी। अब कुकर को ओपन करते हैं, ठीक है। अब इसको कहाँ रखूँ, अब इसको ओपन करते हैं, देखते हैं। बन गए हैं चावल और आपको दिखा देती हूँ, चावल बन गए हैं। अब इसको आ जाओ जल्दी से गरम गरम खा लो, अभी ठंडा है बहुत। क्योंकि चावल सर्दी में बहुत अच्छे लगते हैं। बस स्टार्ट करते हैं। ले ली है मैंने और यम्मी। बाय बाय, आप भी ऐसे सर्दियों का आनंद लें, गरम गरम बनाकर खाएं, गूंद के लड्डू, सरसों का साग, बाजरे की रोटी। सुपर, बाय। मुझे इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। खुश रहें, मस्त रहें।